हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सल वर्ल्ड डिजाइनिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी हेयर वाली इमेज का बैकग्राउंड आसानी से कैसे रिमूव करते हैं। इसके लिए हमने एक इमेज ओपन की हुई है। इस इमेज में हम स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस करके देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड को लेयर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे। ये बैकग्राउंड को मैंने अनलॉक कर लिया है और एक न्यू लेयर लेंगे। ये न्यू लेयर मैंने क्रिएट कर लिया है और इस न्यू लेयर को मैं नीचे कर लेता हूँ, लेयर जीरो के ये नीचे कर लिया। और इसमें एक मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर ही फिल कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किया आपने तो आपने देखा कि ये कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। अब इस लेयर की मैं एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ। कंट्रोल जैसे मैंने डुप्लीकेट लेयर बनाया और आप क्विक सिलेक्शन टूल से इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। जितने में ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उतने को आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं क्विक सिलेक्शन टूल पर जाता हूँ और क्विक सिलेक्शन टूल को मैंने सेलेक्ट किया और इमेज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो इस सर्कल आपको दिख रहा है, इसको आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको मैं छोटा रखता हूं और यहां से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करता हूं। अब माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ और अगर कहीं पे सिलेक्शन ख़राब हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड से, जैसे अगर मैं बनाना चालू करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन बाहर चला जाता है तो आप कंट्रोल जेड से फिर से वहीं पे ला सकते हैं। तो मैं इमेज को थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और सर्कल को भी छोटा कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। हेयर के छोटे छोटे पार्ट को भी मैं कवर कर रहा हूँ जिससे जब मैं रिमूव करूं तो अच्छी तरह से समझ में आए आपको। ये देखिए आप, ये छोटे छोटे पार्ट को भी मैं कवर कर रहा हूं। अब आप देखेंगे तो ये सिलेक्शन आपका ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं। ये देखिए, ये सिलेक्शन अब आपका बन चुका है। छोटी छोटी जगह है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ये अब आप देखेंगे तो ये सिलेक्शन आपका पूरा बन चुका है। अब आप टॉप में देखेंगे तो एक रिफाइन एज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपने क्लिक किया और इसके कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स इसका ओपन हो चुका है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यू मोड दिख रहा है। इसमें व्यू मोड को आप ऑन ब्लैक कर दीजिए, ये ऑन ब्लैक है। और इसका ब्रश सेलेक्ट कर लीजिए, ये रिफाइन एज है, इसको आप कर लीजिए 10% या 10 पिक्सल हो गया ये। और इसको भी आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा, ये सर्कल आपको दिख रहा है, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं। या आप यहाँ से ऊपर से भी साइज को इसके एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये ब्रश चलाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये ब्रश चलाना मैंने स्टार्ट किया। आप हेयर के कॉर्नर पे चलाना स्टार्ट करेंगे तो आपको तो दिखता जाएगा कि कैसे रिमूव हो रहा है बैकग्राउंड। ये देखिए, बहुत आसानी से बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। अब आप नीचे देखेंगे तो आउटपुट में इसको आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 80%। ये 80% किया आपने और आप कोई भी दूसरी सेटिंग को टच मत कीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे आउटपुट 2 है, तो इसको आप कर दीजिए न्यू लेयर विथ लेयर मास्क और ओके कर दीजिए। ये देखिए, अब आप कंट्रोल जैसे लेयर को कॉपी कर लीजिए और दोनों लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दीजिए, तो ये दोनों लेयर मर्ज हो चुकी है। और इस नीचे वाली लेयर को आप डिसेबल करेंगे और बैकग्राउंड को भी डिसेबल करेंगे। आप देखेंगे तो ये कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव हो चुका है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसमें आपको। तो हेयर के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव करने के और भी ऑप्शन अपने पास हैं। आने वाली क्लासेस में मैं सभी को कवर करने वाला हूँ। आज ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया है। आने वाली क्लासेस में अलग अलग टाइप से बैकग्राउंड को रिमूव करके आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, गुड डे।